कोर वर्कआउट क्यों किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट है और ये रनिंग के लिए कितना बेनिफिट है और क्या आप इससे सिक्स पैक बना सकते हो, इस सभी के बारे में जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को अच्छे से समझो और अच्छे से एक्सरसाइज कर लो, तभी आपका इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और अगर आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। तो देखो दोस्तों, ज़्यादातर कोर वर्कआउट सभी खेलों में किया जाता है, और अगर आप शॉर्ट इवेंट करते हो, हैंड मीटर करते हो, लॉन्ग जंप करते हो, 1600 मीटर लगाते हो, तभी आप एक इवेंट करते समय जहाँ पेट पर स्ट्रेच होता है या आपकी जो ग्लूट मसल है, लोअर बैक है, जो आपके हाथ है टाइट होते हैं, क्योंकि आपकी कोर मसल में स्ट्रेंथ कम बढ़ जाती है। और इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको कोर वर्कआउट करना चाहिए। जब आप कोर वर्कआउट करोगे तभी आप 100 मीटर तेज लगाओगे, लॉन्ग जंप क्लियर करोगे और 1600 मीटर भी एक्सलेंट लगाओगे, इसलिए हमें कोर वर्कआउट करना चाहिए। और इस वर्कआउट से आप सिक्स पैक भी बना सकते हो। और दोस्तों इस कोर वर्कआउट को आप हफ्ते में 3 या 4 बार कर सकते हैं, नहीं तो आप एक दिन का गैप लेकर इस वर्कआउट को करो। और इसके बहुत सारे एक्सरसाइज है, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे, 8 या 10 एक्सरसाइज करेंगे, और हर एक्सरसाइज के हम 2 या 3 सेट कर लगाएंगे और उसके बीच हम 30 या 40 सेकंड की रिकॉर्ड लेंगे। तो चलो इस वर्कआउट को स्टार्ट करते हैं।